मैम हिस्ट्री का है क्या? हाँ गुड मॉर्निंग मैम। नंबर 35 चैप्टर 5। मैम मैं रीड करूं? ओके स्टूडेंट्स, कौन कौन रीड करना चाहता है? क्या नाम है? रिया शाह। क्या नाम है? रिया शाह। यस ओके रिया शाह, स्टार्ट स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग रिया शाह, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। इन बंगाल, इन बंगाल राजा राम मोहन राय, यहाँ से पढ़ोगे। इन बंगाल रीड करो जल्दी फास्ट। कहाँ मैं? हाँ, इन बंगाल राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर हु टुक द इनिशियल Initial, initial steps. Initial steps. So he was regarded as the first representative of reincarnation. He flagged that the people of India should know about the modernization of Western countries. So he gave support to English education. He started an English school in Kolkata and also established Vedanta College. Raja Education, Ram Mohan Vedanta, haan, college, haan, aage padho. College. Raja Ram Mohan Roy wanted to reform the society. So he translated many religions book in Bengali language so that local people could get correct knowledge to intensive his work. He established Brahma Samaj in 1828. Ma'am, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करो, यहाँ तक वोमेन तक पैराग्राफ कंप्लीट करो। He was against idol worship pomp and show likewise in Punjab. In 1875, Dayanand Saraswati established Arya Samaj. Through this Samaj, Dayanand Saraswati protested idol worship, pomp and show. Untouchability. Untouchability and religious superstitions. This superstitious है वो superstitious. This reform showed that social reformation was incomplete without reformation of women. देखो रिया शाह, आपका बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन ठीक करो। दैट इज नॉट अ थॉट, दैट इज अ थॉट। ओके, रिफॉर्मर के बाद वहां पर थॉट लिखा हुआ है, उसका रिलीजियन सुपरस्टिशन है वो, देन प्रोटेस्टेड है। ओके, बहुत सारा आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है? उसको क्लियर करेंगे, रीड करेंगे। घर में बुक है ना? बुक जिसके पास नहीं है आके बुक ले लेंगे, बुक मिल रही है स्कूल में। हमारी जिनके पास बुक नहीं है, जो स्कूल से बुक नहीं लिए हैं, वो आके बुक ले लेंगे, अभी बुक मिल रही है स्कूल में, ठीक है? नाउ यहाँ क्या बता रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योर सेल्फ। कौन कौन है यहाँ पे? हिमांशु, रिया शाह, म्यूट योर सेल्फ। रिया शाह म्यूट योर सेल्फ। ओके, सो नाउ हियर इन बंगाल राजा राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय, देखो रे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे इसका पिक्चर दिया हुआ है ना। इन बंगाल राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर, ये जो थे सबसे पहले फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब सोसाइटी को चेंज करने का इनके अंदर एक अलग ही
अलग ही जज्बा था. हु टूक द इनिशियल स्टेप्स, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए. सो ही वॉज रिग्रेटेड एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड रिकार्नेशन. ठीक है, और वो जो है फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एज द रिकार्नेशन के सामने बतौर जो है वो सबको मतलब नेतृत्व करने लगे. नेतृत्व मतलब है हर जो चेंजेस होते हैं ना उनके थ्रू ही होता रहा. He felt that the people in India should know about the modernization. उनका उनको ये फील हुआ कि उनको हमारे इंडिया के लोगों को मॉडर्नाइजेशन के बारे में पता चलना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इन वेस्टर्न कल्चर में आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारी चीजें जो है अच्छी चीजें है ना, एजुकेशन लेना, देन भेदभाव नहीं करना, इक्वालिटी जो है सबको लेके चलना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी राजा राम मोहन राय को. इसलिए उन्होंने चाहा कि वेस्टर्न चीजें, वेस्टर्न कल्चर जो है हमारे इंडिया में भी थोड़ी बहुत आए. सो ही गेव सपोर्ट टू इंग्लिश एजुकेशन, तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया. ही स्टार्टेड अ इंग्लिश स्कूल इन कोलकाता, उन्होंने कोलकाता में एक इंग्लिश स्कूल स्टार्ट किया जो कि वेदांता कॉलेज के नाम से जाना जाता है. राजा राम मोहन राय वॉन्टेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, वो जो है फिर सोसाइटी को एक चेंज में लेके आना चाहते थे. सो ही ट्रांसलेटेड मेनी रिलीजियन बुक, ऐसे बहुत सारे मैनी रिलीजियन अलग अलग धर्म के जो बुक्स थे उनको वो बंगाली में ट्रांसलेट किए, बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए ताकि लोगों को आसानी हो. रिमूव कर दो माजू को. हिमांशु एक और बार अगर आपने माइक ऑन किया ना मैं आपको रिमूव कर दूंगी परमानेंटली एकदम. ओके, सो नाउ राजा राम मोहन राय वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, सो ही ट्रांसलेट द मेनी बुक्स इन बंगाली लैंग्वेज सो द लोकल पीपल कुड गेट द करेक्ट नॉलेज, ताकि वहां के लोगों को जो है करेक्ट नॉलेज मिल सके. To intensify his work, he established Brahma Samaj in 1828. जो ब्रह्मा समाज जो है उन्होंने establish किया कब किया? 1828 में. He was against idol worship. वो जो है एक worship जो है एक idol worship के नाम से मतलब लोगों के बीच में प्रचलित हुए. ठीक है, उनको उनका pomp होता था, उनका show होता था. Likewise in Punjab in 1975 में पंजाब में भी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश आर्य समाज, जो दयानंद सरस्वती है उन्होंने आर्य समाज का जो है आर्य समाज को एस्टैब्लिश किया. थ्रू द समाज दयानंद सरस्वती प्रोटेस्टेड आइडल वर्शिप फॉर्म एंड शो अनटचेबिलिटी एंड रिलीजियन सुपरस्टिशन. वो जो है उस समाज से, ठीक है, वो कहीं कहीं जगह पे शो कराते थे, देन जो है वहां पे अनरिलीजियन अनटचेबिलिटी जो सुपरस्टिशियस थे उनको जो है वो सारी चीजों को मतभेद जो है भेदभाव लोग को हटाने के लिए उन्होंने कई तरह का शो करवाया. ठीक है, अपने जो है अपने जो बोलते हैं ना गुरु चेले जो उनके स्टूडेंट्स थे उन लोग से करवाया. दिस रिफॉर्मर्स फॉर द, हाँ बोलो मैम. रिफॉर्मर्स मतलब क्या होता है? रिफॉर्मर का मतलब होता है जो चेंजेस लेके आते हैं ना समाज में उनको रिफॉर्मर्स बोलते हैं, एक नए सोच के साथ. ठीक है, और मैं दिस हाँ मतलब क्या हुआ ना क्या मैम एस्टैब्लिश्ड मतलब मैम जो स्थापित करते हैं. हाँ हाँ स्थापित करना. हाँ 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 दिस रिफॉर्मर्स मैम इंटेंसिव है मतलब किसका मतलब इंटेंसिफाई का मतलब होता है कि कंटिन्यू. ठीक है, पूरे पूरे ताकत के साथ पूरे कंटिन्यू जो है उन्होंने वर्क को करते रहे. इंटेंसिव हिज वर्क, जो उन्होंने अपने वर्क को बढ़ाने के लिए कंटिन्यू प्रोसेस में चलाने के लिए जो है उन्होंने वर्कशिप को जो है बढ़ाया. ठीक है, then this reformer thought that social reformation was incomplete without reformation of women. उसके बाद यहाँ पे जो है social reformers है उन्होंने ये सोचा कि वुमेन लोग को भी जो है इस विदाउट इनकम्प्लीट है हमारी सोसाइटी अगर यहाँ पर वुमेन लोग अच्छे तरीके से अगर वुमेन भी यहाँ पे नहीं जुड़ते हैं तो. पहले समाज क्या होता था, सोसाइटी हमारे इंडिया के सोसाइटी लोग कैसे थे कि हमारे कंट्री में
जो है लोगों को सिर्फ किनको दिया जाता था, महत्व किनको दिया जाता था, सिर्फ पुरुष लोग को दिया जाता था, मैन लोग को दिया जाता था, वुमेन लोग को नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए वुमेन लोग को दिलवाने के लिए, उनका राइट दिलवाने के लिए जो है उनको भी समाज में लेके आने लगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रीड करो, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन। मैम मैं करूं? हाँ जब जोत करो। यस मैम। मैम कहाँ से, वॉज से करना है? हाँ हाँ हाँ। यस मैम। वॉज द स्टेटस ऑफ वुमेन एट द टाइम नॉट सो गुड? अनु आस्क द क्वेश्चन। मैम ये क्या लिखा है? आस्क द क्वेश्चन एनजेक्सली। एनजेक्सली मैम क्या लिखा है? एनजॉक्सुली। डॉक्सुली हाँ। And teacher answered it by explaining, yes children, in the beginning of the 19th century, the status of women was not good. According to the child marriage system, girls were married in her childhood. Little girls were married to older men. Sometimes at a tender age, they became widows. Mostly widows were forced to burn at their husband's prey to become sati. Alive widows were served with one widow time meals. White dress were considered as innocuous. They lead a life full of many hardship. According to the system of the polygamy, a man could have many wives. Mostly of a girl child was felt inauspicious and was killed after birth. Due to dowry, some girls of poor families could not marry. Women were neither given education nor were there any opportunity of their development. Ma'am, tell me the side. For this reason, women did not have any independent and identity. ओके नाउ स्टॉप। ओके अभी देखोगे यहाँ पे जो अनु ने ऐसे मतलब पूछा अपने चिल्ड्रन अपने टीचर से कि टीचर क्या उस टाइम पे वुमेन लोग के साथ बुरा होता था, मतलब वुमेन लोग का उस टाइम अच्छा नहीं था क्या, उन्होंने पूछा। तो टीचर ने एक्सप्लेन किया, यस चिल्ड्रन इन द बिगिनिंग 19th सेंचुरी द स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज नॉट गुड। जो स्टेटस जो वुमेन लोग का जो एक इज्जत था, रेस्पेक्टनेस था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन मैरिज चाइल्ड मैरिज गर्ल्स वर मैरिड इन हर चाइल्डहुड। उनको जो है शादी करा दिया जाता था, ठीक है, चाइल्डहुड बच्चे मतलब जब छोटे थे, छोटे में ही जो है उनको शादी करा दिया जाता था, जिसको अपन बाल विवाह बोलते हैं। ओके लिटिल गर्ल वॉज मैरिड टू ओल्डर मैन। जो लिटिल गर्ल है, छोटे छोटे जो बच्चियां है, वो बूढ़े लोग के साथ जो उनकी शादी करा दी जाती थी। सम टाइम एट ए टेंडर एज बिकम अ विडो। एक टाइम के बाद जो है जब वो ओल्डर मैन का जब एज खत्म हो जाता था तो वो मर जाता था। तो मरने के कारण जो है वो जो औरत जो लड़की रहती थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची रहती थी ना, तो उसको जो विडो उनको वो विडो हो जाती थी। विडो का मतलब होता है कि क्या बोलेंगे उसको, विडो को क्या बोलते हैं बताओ? मैम विधवा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, विडो हो जाती थी, ठीक है, विधवा हो जाती, जिसके कारण जो है उनको भी उसको भी उसी आग में ढकेल दिया जाता था जिस आग में उसके हस्बैंड जो है जलते रहते हैं। मतलब जैसे कोई मर जाता है तो हम जलाने के लिए जाते हैं ना, तो उसी तरीके से उस आग में उनको बिठा दिया जाता था जबरदस्ती, ठीक है। तो इससे क्या होता, उस तक उसको क्या बोलते थे, सती प्रथा। नाउ अलाइव विडो वॉज सर्व्ड विद वन टाइम मील। और जो और एक चीज होता था, या तो उनको सती प्रथा मतलब उस आग में ढकेल दिया जाता था, या तो फिर क्या होता था कि उनको सिर्फ एक टाइम ही खाना मिलता था, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि जो विधवा लोग हैं सिर्फ एक टाइम ही खा सकते हैं, दिन के टाइम नहीं खा सकते, सिर्फ रात के टाइम एक टाइम खा सकते हैं। उनको वाइट ड्रेस पहनना है, वेयर कंसिडर्ड इन इनऑस्पिशियस, ठीक है, बहुत ही मतलब कायदे कानून से उनको रहना है। तो ये सारे जो है उनके साथ होने लगा। They lead their life full of many hardships. और उसके कारण उनके जो है लाइफ में बहुत ही हार्डशिप बहुत ही होता था, ठीक है। According to the system of polygamy, a man could have many wives. ठीक है, polygamy मतलब उस टाइम पे जो है लोगों का एक एक हस्बैंड का बहुत सारी वाइफ्स होती थी। Mostly the birth child was felt inauspicious and was killed after birth.
बर्थ, ठीक है। ऐसा बहुत सारे जगह पे होता था कि बच्चियां, जो छोटी बच्चियां होती है, कि होते साथ ही उनको मार दिया जाता था ड्यू टू डॉरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डॉरी सिस्टम बहुत ज्यादा था, मतलब गर्ल अगर लेके आ रहे हैं तो दहेज भी उनको देना पड़ता था उनके माँ बाप को। लेकिन गरीब, जिन लोग गरीब इंसान, गरीब घर से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोग वो चीज नहीं कर सकते ना, उन लोग नहीं पे कर सकते उतना ज्यादा डॉरी, ठीक है, दहेज नहीं दे सकते पुअर फैमिली। इसलिए जो है वो क्या करते थे, या तो अपनी बेटी को मतलब मार देते थे पैदा होते साथ ही, या तो जो है उसकी शादी नहीं होने देते थे। वुमेन वेर नाइदर गिवन एजुकेशन, उस टाइम पे जो वुमेन है उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, ना ही उनको डेवलपमेंट करने का, मतलब अपने आप को डेवलपमेंट कर सके, बाहर निकल के सबसे बात करे, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फॉर दिस रीजन वुमेन डिड नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, इसी कारण से जो है उनको कोई भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं मिल पाता था, ठीक है। देन आफ्टर, बट टूडे इट इज नॉट लाइक दिस, अभी आप देखोगे कि अभी ऐसा नहीं होता है। टूडे वुमेन आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, यहाँ पे आज के डेट में आप देखोगे कि वुमेन लोग को अपॉर्चुनिटी देते हैं, बहुत बहुत ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर, इट वॉज पॉसिबल थ्रू द एफर्ट द सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर की तरह जो है उनको, क्योंकि ये सारा ये जो पॉसिबल हो सका किसके कारण हो सका, सोशल जो रिफॉर्मर्स थे उनके कारण, मतलब सोसाइटी को जो चेंज करने वाले लोग आए ना उनके कारण। जो फर्स्ट है वो है राजा राम मोहन राय, जो कि स्टार्टेड डिबेट ऑन स्टॉप सती सिस्टम इन द सोसाइटी, वो जो है डिबेट करने लगे कि सती प्रथा जो है खत्म कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ लॉ, सती सिस्टम वॉज इनह्यूमन एंड अगेंस्ट द रिलीजियन, उन्होंने ये कहा कि हमारे रिलीजियन के खिलाफ है ये, एक इनह्यूमैनिटी है, मतलब यहाँ पर आप एक इंसानियत नहीं दिखाते हो, ठीक है। इंसानियत का मतलब क्या होता है कि आप किसी को अच्छा करो, है ना, उसके साथ बुरा मत करो, लेकिन आप सती प्रथा में क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो एक छोटी सी बच्ची का एक बुढ़े के साथ शादी करा दे रहे हो, देन वो बुढ़ा खत्म हो जा रहा है तो उस आग में जो है आप उस लड़की को भी ढकेल दे रहे हो जलने के लिए। दूसरा चीज क्या है कि अगर वो विधवा हो जाती है तो उनको आपको खाना नहीं देना, एक ही टाइम खाना देना। सोचो उस टाइम पे औरत लोग कितना ज्यादा, जो बच्चियां थी, छोटी छोटी लड़कियां थी, उनको कितना ज्यादा सरवाइव करना पड़ता था, ठीक है। तो सती प्रथा जो है यहाँ पर खत्म हुआ। ही रिक्वेस्ट टू इंग्लिश रूलर टू स्टॉप दिस इनह्यूमन सिस्टम, तो यहाँ पर इंग्लिश रूलर से जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको स्टॉप कर दिया जाए। विथ हिज एफर्ट Ultimately, in 1829, Governor General William Bentinck passed a law to stop the sati system. ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली जो है 1829 को गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक करके है, उन्होंने ये लॉ पास किया कि सती प्रथा को खत्म कर दिया जाए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके मैम, ठीक है, अभी मैं बस ये छोटा सा पैराग्राफ को ही समझा रही हूँ स्टार्टिंग का, उसके बाद फिर कल बाकी समझाऊंगी, ठीक है, बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ, इसीलिए। नाउ टीचर दयानंद सरस्वती वाज आल्सो अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ चाइल्ड, जो दयानंद सरस्वती थे जो कि पंजाब के रिफॉर्मर थे, राजा राम मोहन कहाँ के रिफॉर्मर थे, कलकत्ता के, ठीक है, और दयानंद जो सरस्वती है वो पंजाब के रिफॉर्मर थे, वो भी जो है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो है उन्होंने लॉ पास, वो भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, ठीक है, मोर्टेलिटी गर्ल चाइल्ड टू, ही सपोर्ट द विडो रीमैरिज एंड वुमेन एजुकेशन, उन्होंने ये चाहा कि जो विधवा हो जा रही है उनको एजुकेशन मिले, ठीक है, उनका फिर से मैरिज कराया जाए, ये सारी चीजें जो है वो दयानंद सरस्वती चाहते थे। देन अंजलि, जो उस क्लास में जो बातचीत हो रहा था ना उस टाइम पे, अंजलि ने बोला बट हाउ वॉज इट पॉसिबल फॉर विडो रीमैरिज, तो उसने पूछा कि किस तरीके से एक विधवा जो है फिर से शादी कर सकती है। टीचर, Children by this time Bengal had a social reformers named Ishwar Chandra Vidyasagar, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो भी एक रिफॉर्मर थे, ठीक है, वो भी सोसाइटी को अच्छा करना चाहते थे, कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। He dedicated his whole life to make widow remarriage legal, ठीक है, वो जो है अपने पूरी लाइफ जो है फिर से रीमैरिज कराने का लीगल तरीके से जो है उन्होंने प्रस्तावना रखा था। He also got a massive support for his movement. उनके कारण जो है उनको बहुत सारे सपोर्ट जो है उस मूवमेंट में मिलने लगे, ठीक है, अलॉन्ग विद, मतलब मैसिव सपोर्ट का मतलब क्या होता है, उनके अगेंस्ट में
क्योंकि हमारे समाज में क्या होता था पहले कि रीमैरिज, फिर से किसी औरत का रीमैरिज कराना ठीक नहीं मानते थे, बट उनके आने के बाद वो चाहते थे कि अगर छोटी बच्ची के बुड्ढे के साथ अगर आप शादी दे रहे हो तो ये कहाँ का कानून है ना। तो ये जो है या तो आप उनके एज के वाले के साथ दो, है ना, या तो उनसे मतलब 2-3 साल बड़े उनसे ऐसे शादी दो, लेकिन आप डायरेक्ट 45, 25, 26 साल के बुड्ढे के साथ अगर आप शादी दोगे तो ऑब्वियसली वो जल्दी विधवा हो जाएगी, है ना। तो अलोंग विद द महाराष्ट्र पंडित विष्णु सरस्वती हिमसेल्फ मैरिड अ विडो, जो महाराष्ट्र के जो पंडित विष्णु सरस्वती है वो खुद ही जो है एक विडो के साथ शादी कर लिए थे, ठीक है। विडो का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, विधवा, विधवा से फिर से वो शादी कर लिए थे ताकि समाज को वो दिखा सके कि हम रीमैरिज करना कोई अपराध नहीं है, ओके, एंड सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, और वो अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पर सोसाइटी पे लेके आए। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर बॉट हिज विडो डॉटर री मैरिड इवन आफ्टर द एगिटेशन ऑफ फंडामेंटलिस्ट, जो रामकृष्ण गोपाल है उन्होंने भी अपने बेटी का जो वो विडो हो गई थी उसका फिर से मैरिज दिए, ठीक है। ही गॉट सपोर्ट फ्रॉम द महादेव गोविंद क्या है रांद्रे, ठीक है, जो है आपके महादेव गोविंद जो थे वो भी यही सब उनको सपोर्ट करते थे। इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो वीर शाहलिंगम सपोर्टेड विडो रीमैरिज, वो भी जो है विडो को सपोर्ट रीमैरिज के लिए जो है वो भी सपोर्ट करने लगे। एज रिजल्ट इन 1856 विडो रीमैरिज लॉ एज इनैक्ट, ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ 1856 में जो है एक कानून बन गया कि विडो का जो है फिर से रीमैरिज करवा सकते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक सबको मैम? यस मैम। हाँ बोलो। यस मैम, बोलो क्या बात है मैम? मैम रीकार्नेशन मतलब क्या होता है? रीकार्नेशन कहाँ लिखा है रीकार्नेशन? मैम पेज नंबर 35 में। अरे बेटा अभी तो मैंने बताया था आप लोग को। मैम मैं लेट ज्वाइन हुई थी शायद। अच्छा तो जल्दी आना चाहिए ना बेटा आप लोग को। रीकार्नेशन कहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से उसको प्रोनाउंस करो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे। मैम उसकी सेकेंड लाइन में, सो ही वाज रिगार्डेड एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव। रीकार्नेशन है, रीकार्नेशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रीकार्नेशन मतलब जो है एक आंदोलन को चलाने के लिए उनका पहला कदम जो बोलते हैं ना उसको रिकार्नेशन बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है उनका पहला कदम था वो, ठीक है, तो उसको रिकार्नेशन बोलते हैं। फिर से जो है हाँ ओके ओके नाउ क्लास इज ओवर बेटा, कल मैं बाकी एक्सप्लेन करूंगी, टाइम हो गया है, 2 मिनट बचे। हाँ बोलो मैम, हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर रही है? चैप्टर नंबर 5 मैम, मेरा 2 का छूट गया है। कोई बात नहीं बेटा, लिख लेना किसी से मांग के, ठीक है, चलो क्लास इज ओवर नाउ।